Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very very good morning nazreen jahan jahan tak is waqt masala tv dekha ja raha hai tamam dekhne walon ko jaane walon ko khush aamdeed karte hain aapke apne show pe thank you so much for tuning on to masala tv kaisa guzra aap logon ka weekend aur tamam dekhne walon ko 14 अगस्त का दिन तो गुजर चुका है लेकिन बहुत मुबारक हो इसलिए कि ये ऐसा दिन है कि हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे और हम लोगों को नेक हिदायत दे नेक तौफीक दे कि हम अपने मुल्क की कदर करें अपने मुल्क का ख्याल करें छोटी छोटी चीज़ों में हम हर चीज़ अपनी गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि इमरान खान यूँ और फलाना यूँ उनका क्या कसूर है ये तो हम एक होंगे तो हमारा मुल्क प्यारा मुल्क बनेगा ना हमें अपने मुल्क की हर चीज़ का ख्याल रखना है सफाई का ख्याल रखना है और हर चीज़ का आप सोचें ना हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हुए हमारा मुल्क बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है इंशाल्लाह ताला हम अपने घर को जिस तरह साफ़ रखते हैं चमकता हुआ रखते हैं तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को भी अपने शहर को भी इसी तरह सोचें कि वो भी तो हमारा घर है ना बिल्कुल है बिकॉज पाकिस्तान नहीं होता तो सोचें हम कहाँ होते इस वक्त पता नहीं कहाँ होते और ये तो इतनी बड़ी बात है कि हमारे कायदे आज़म अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ये सरज़मीन मिली अल्लाह ताला की बरकतों से अल्लाह के करम से और हमें बहुत इसकी कदर करनी चाहिए बहुत ख्याल रखना चाहिए बहुत ज़्यादा हम घर से निकलते हैं हमने जाके कुछ भी लिया रास्ते में कोल्ड ड्रिंक ली ठीक है ना आजकल तो डिस्पोजेबल बॉटलें पीने के बाद आपने शीशा को धाड़ करके बाहर फेंक दिया घर में फेंकेंगे कभी भी नहीं फेंकेंगे तो क्यों ऐसा क्यों है वो भी तो हमारा घर है हमारा शहर हमारा घर नहीं है है ना तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखें आप देखिएगा चेंज कैसा आएगा वरना आप जाएँ एंड वी नीड टू टीच जो हमारे इलिटरेट लोग हैं हमारे नौकर हैं हमारे जो दूसरे गरीब तबका है उन्हें हमें ये तालीम देनी चाहिए इसमें शर्म की कोई बात नहीं है हमें तालीम देनी चाहिए हम अपने नौकरों को ही तालीम दे सकते हैं बिकॉज जब मासियाँ हमारे घर आती हैं काम करती हैं वो ले कुछ भी उनके हाथ में पर्चा होता है कुछ भी होता है पान खाती कुछ भी करती है बस से उठा के फेंक देती हैं तो हमें ये तालीम उनको देनी चाहिए कि भाई इस तरह मत किया करो हमारा मुल्क है रख लो अपने घर जाके कचरे के डब्बे में फेंक दो ये थोड़ी है कि घर उठा के आपने धड़ करके बाहर फेंक दिया खिड़की से बहुत गलत ठीक है तो आई होप इंशाल्लाह हम लोग सब इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इसी से इंशाल्लाह देखिएगा एक दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान अमेरिका क्या चीज़ें कुछ भी नहीं है उस हमारा मुल्क इंशाल्लाह इंशाल्लाह अमेरिका से बेहतर होगा साफ़ सुथरा हर चीज़ इंशाल्लाह ताला हमें एक होना है बस वी शुड बी यूनाइटेड वी आर पाकिस्तानीज एंड वी हैव टू बी यूनाइटेड ठीक है ना इंशाल्लाह अच्छा जी आज हम बना रहे हैं अपने शो पे शोला जो कि फिर मेरी बहुत पसंदीदा चीज़ है आई लव इट और हम बना रहे हैं हंटर बीफ कटलेट और हम बना रहे हैं मैंगो एग्जॉटिक बस मैंगो नहीं अच्छे मिल रहे अब तो ख़त्म ही हो गए लेकिन बहरहाल ये दिया हुआ था आपको पता है दो दो ढाई ढाई महीने पहले मैं अपनी रेसिपीज दे देती हूँ तो जब मैंने ये देखा मैंगो एग्जॉटिका मैंने कहा वो हालांकि ये मैं पीच के साथ कर सकती थी पीचेस हैं अभी बहुत अच्छे सीजन में लेकिन पीच जेली नहीं मिलती मसला ये है ठीक है तो हम चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पहले शोला को स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी पे आएंगे ठीक है चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छा शोला सारी चीज़ों को हमें एक साथ चढ़ाना है ठीक है अच्छा यहाँ पे मेरे पास हरी दाल है मूंग की ये देखें मूंग की हरी दाल छिलके वाली इसको मैंने घर से निकलने के टाइम पे भिगो दिया था आप चावल और दाल साथ ही भिगा सकते हैं और चावल आधा किलो मैंने सस्ते वाले चावल लिए इसमें हमें ये देखें कनकी चावल लिए मैंने ठीक है दाल एक पाव है चावल आधा किलो है मैं बड़ी में बनाऊंगी
ताकि खुला भी पके और मुझे थोड़ा सा घुटाई में भी आसानी हो। कीमा कोशिश करिएगा थोड़ा मोटा होना चाहिए। ओके, तेल लेंगे हम इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। हाफ कप इसमें हम बटर भी यूज करेंगे, वो बाद में, लूरपाक का बेहतरीन सा मक्खन। अच्छा, इसमें हमें डालना है साबुत गरम मसाला। तीन से चार काली मिर्चें, एक दालचीनी का स्टिक, लौंग दो तीन, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, ठीक है, ये चला गया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, लाल कीवी प्याज और कीमा। अभी मैं आधा कप जितनी लाल प्याज डाल और आप कीमा डाल दीजिए। आई एम यूजिंग बीट। अच्छा, मसाले जब तक कीमा भून रहा है हम मसाले निकालते हैं। अच्छा चल, ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा सा भून रही हूँ, तो अब हम ब्रेक लेके आते हैं। ब्रेक में आने के बाद मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। अदरक लहसुन मैं डालती भी जा रही हूँ इटालिया का, ताकि इसके साथ अच्छी तरह भुनाई होती रहे। दो टेबलस्पून भर के मुझे इसमें इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मसाला मॉर्निंग देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे बन रहा है छोला। कीमा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इंतज़ार कर रही थी आप लोगों का, ताकि हम इसमें अपने मसाले डालना शुरू कर दें। तीन चाय के चम्मच भर के इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और धनिया पाउडर भी जाएगा तीन चाय का चम्मच। एक दो, तीन चौथाई से बेशक एक चम्मच भी चले जाए कोई मसला नहीं है। हल्दी, धनिया पाउडर 3 टीस्पून, नमक 3 टीस्पून, ये पिंक सॉल्ट है, परेशान नहीं हूँ कि क्या डाल रही हूँ। ठीक है, ये चला गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे
गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। सारे मसाले चले गए, दही डाल दीजिए, दही जा रही है इसमें 1/2 कप। दाल डाल दीजिए 1 पाव हरी, चावल डाल दीजिए 1/2 किलो, पालक डाल दीजिए 1/2 किलो चॉप्ड अच्छी तरह से धुली हुई, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। श्री मैमन बॉबी पेशावर से जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? बहुत शुक्र मालिक का। आप वो आजादी कल थी, जश्न आजादी कल थी, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, अल्लाह इस तरह की और देखने नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपने उस दिन, मैंने ब्रेकफास्ट की आपसे रिक्वेस्ट की थी। अच्छा एक बात बताऊं, अगले मंगल का शो आप जरूर देखिएगा। अगले मंगल को मैं 3 कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट की डिशेस सिखा रही हूं। ओके थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आपको बताती कि जो आपने वो दिन इटालियन ऑमलेट बनाया था ना, जी जी, आपने उसको कट किया था ना आलू को, मैं फ्रेंच फ्राइज से बनाती हूँ इस तरह का। अच्छा ओके, अल्लाह बख्शे मेरे हस्बैंड को, मफरत करे उनकी, उन्होंने मुझे वो बाहर सीख कराए थे, वो टर्की में होते थे तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पर सिखाया था। अच्छा। लेकिन वो जो प्लान करते हैं ना, वो खुद क्या करते थे, मैं ऐसे मुझसे नहीं हो सकता, आप और अपने आपने कितना काम किया। नहीं दूसरा कांट मैं नहीं कर सकती। नहीं नहीं आप दूसरे बर्तन पे करें और फिर उसको वर्टर्न कर दें। वो मेरा बेटा कर लेता है, वो खुद मैं आवाज देती हूँ की काम कर लो तो कर लेता है। अच्छा। सेम यही रेसिपी है, फ्रेंच फ्राइज का बनाती हूँ। उस तरह की मैं छोटी सी ना मुन्नी सी, एक प्याज फ्रेंच फ्राइज को बिछाते ना उसमें पैन में, और फिर मैं हर की छोटी सी छोटी प्याज फाइनली चॉप करके ओके वो डाल देती हूँ, फ्लेवर आता है उसमें। आप मेरा नेक्स्ट मंडे शो जरूर देखिएगा, ठीक है? नहीं नेक्स्ट मंडे, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें ये डाल दिया, अब इसमें सोया जा रही है दिल, 1 गड्डी सोया, हरी मिर्चें डाल दें 5-6 चॉप, हरा धनिया थोड़ा सा डाल दीजिए, अभी बाद में हम थोड़ा ऊपर से डालेंगे। सब कुछ डाल दिया मैंने, देखा आपने, मसाले डाल दिए, दाल डाल दी, पालक डाल दिया, चावल डाल दिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें, सोया, हर चीज़ मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इसमें आप पानी भर दें 7-8 कप और बस इसको अब आप पकने के लिए छोड़ दें। ठीक है, इसको अब हम इतनी देर पकाएंगे कि सब एक जान हो जाए, और थोड़ा सा हम इसको घोटेंगे, उसी से घोटेंगे विस्क से, विस्क के साथ हम जरा से इसको घोटेंगे, घोटने के बाद हम इस पर तड़का लगाएंगे। बस अब आप इसको कवर करें और इसको भूल जाएं। इट्स अ 1 मील, ठीक है, पूरा ये आपका कंप्लीट मील है। इसके साथ आप चाहें तो एक अच्छा सा सैलड बना लो, या चटनी, या पापड़, बस ठीक है। चलें जी, ये एक रेसिपी से हम हो गए फारिग, वापस आते हैं आके स्टार्ट करेंगे मैंगो एक्जॉटिका, और फिर उसके बाद तीसरी रेसिपी पे आएंगे। ब्रेक आ चुकी है,
तो ब्रेक में हम इंशाल्लाह ब्रेक से आते हैं, फिर आपको इसके बारे में भी बताते हैं, क्रिस्पी फ्राई के बारे में. स्टे विद अस. जी जनाब, वेलकम बैक. देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक रेसिपी चढ़ा दी है. ऑफकोर्स इसको पकने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब घंटा. अगर आपको वाकई बेहतरीन टेक्सचर चाहिए, नमक शायद कम हो, देख लेंगे बाद में. पालक भी नमकीन होती है ना, इसलिए मैंने 3 टीस्पून ही डाला है. ठीक है, आ जाइए अब हमारी सेकंड रेसिपी पे, जो कि हम करने जा रहे हैं मैंगो एग्जॉटिका. मैंगो एग्जॉटिका के लिए मुझे 2 पैकेट मैंगो जेरी क्रिस्टल्स चाहिए, और जिस डिश में मुझे ये बनाना है, डेजर्ट सर्व करना है, उसमें हम नीचे मैंगोज डाल देंगे. थोड़े से मैंने बचाए ऊपर के लिए. ठीक है, मैंगोज आ गए. ओके, अब हम लेंगे दो पैकेट जेली. एक पैकेट को मैं डिसॉल्व करूंगी और एक पैकेट मैं इसी में डालूंगी. ओके, अब मुझे चाहिए क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, हंग कर्ड, कंडेंस मिल्क और पक्की क्रीम चीज. हंग कर्ड 1 कप. 1 कप मैंने दही ली थी, उसकी जितनी भी दही बन गई, मतलब निकल गई, वो मैं पूरी यूज़ करूँगी. कंडेंस मिल्क, मिल्काना का, जो कि इटालिया का प्रोडक्ट है, 1/2 टिन. क्रीम चीज पक्की 1 about 3/4 कप. ये पूरी छोटी बॉटल डाल दी है मैंने. अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी से भी बहुत अच्छा बनता है. स्ट्रॉबेरी के सीजन में आप स्ट्रॉबेरी जेली ले लो और उसके साथ बना लो, और जो लोग बनाना लवर्स हैं वो बनाना से बनाए बनाना जेली के साथ. ठीक है, ये बॉटल हो गई.
अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, कैसी है शीन आपा? मैं जवीरिया बात कर रही हूँ। जी बेटा बोलिए। जी शीन आपा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जो हम बकरा ईद का गोश्त बनाते हैं तो उसमें कचरी पाउडर सही रहता है, जैसे कीमा है, दम कबाब या कच्चा पपीता, कोई भी, क्या कुछ भी सही है, ज्यादा बेहतर है? कुछ भी लगा लें, कुछ भी लगा लें। और लेकिन बेहतर बेहतर इज कच्चा पपीता, लेकिन उससे भी काम चल जाता है। अच्छा, तो शीना पर हर गोश्त में डालना जरूरी है कच्चा पपीता या कच्ची पाउडर? हर गोश्त कौन कहता है? नहीं ना, तो फिर वो गलता नहीं है, बोटी कड़क ही रहती है जब हम खाने लगते हैं ना, तो गोश्त कड़क रहता है चाहे कितने घंटे भी पके। नहीं नहीं, ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं होता, आप उसको निकालें अच्छी तरह से वॉश करके और थोड़ी सी देर मैरिनेट करके छोड़ दो, एक आध घंटा अदरक लहसुन लगा के छोड़ दो और सारे मसाले लगा के छोड़ दो और फिर बनाओ, कोई भी नहीं, प्रेशर कुकर में कर लो हर चीज में। अच्छा। कौन पपीता लगाते हैं? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, तो शीना पर मसाला लगाने से पहले ही कच्चा पपीता लगाते हैं या मसाले के साथ? साथ साथ सब लगाओ, दो घंटे छोड़ दो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है, ज्यादा देर तो नहीं रहना चाहिए ना, एक दिन पहले अगर मसाला मैरिनेट कर, नहीं मसाला मैरिनेट करके आप एक दिन रख दो फ्रिज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कच्चा पपीता भी डाल दे? नहीं, कच्चा पपीता दो घंटे पहले। अच्छा हाँ, जैसा ही है, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू। अच्छा देखें मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक प्याले में सबने पहले क्रीम व्हिप कर ली, व्हिपी व्हिप की वो डाल दी, इसमें डेढ़ कप फिटी हुई क्रीम, हंग कर्ड एक कप दही ली थी, उसको मलमल के कपड़े में हैंग कर लिया, दही का मट्ठा बन गया, जितना भी निकला आधा कप जो भी वो डाल दिया, पक्की क्रीम चीज़ एक छोटी बॉटल डाल दी, मैंगो जेली एक पैकेट मैंने इसमें डाल दिया ऐसी क्रिस्टल्स को, और कंडेंस मिल्क आधा टिन डाल दिया। सबको मैं अच्छी तरह बीट कर रही हूँ, मैंगो क्यूब्स लिए आपने, जो भी आप फ्रूट यूज़ कर रहे हैं उसको आपने नीचे पैन में डाल दिया, आपके डिश में डाल दिया जो भी आप पर। कोई जेलेटिन नहीं जाएगी इसमें, कुछ भी नहीं जाएगा। कोई मैंगो एसेंस नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज मैंगो जेली में अच्छा खासा फ्लेवर होता है। ये मीठा लाजमी है, बेहतर है 6-8 घंटे पहले बनाए या एक दिन पहले बनाए। बस हो गया। जो लोग बाहर रहते हैं, यूके में, अमेरिका में, बाहर आउट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ ब्लूबेरी फ्रेश मिलती है और ब्लूबेरी जेलो भी मिलती है, उफ अल्लाह, उससे बनाएं तो हेवन बनता है। फ्रेश ब्लूबेरीज नीचे डालें और ब्लूबेरीज जेली के साथ। ये डेजर्ट 6-8 लोग आराम से खा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो जेली हमने डिसॉल्व करके रखी हुई है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी लेयर, और बस इस मीठे को आप सेट करने रख दें। जम गई।
लेकिन सेट हो गई। ज़रा सा उसको चूल्हा दिखा, ज़रा सा दोबारा से कुक करना है। एसी फुल चल रहा है ना, तो इसको बस ठंडक मिल गई, ये सेट हो गई। बस एक मिनट, मैं इसको उसके ऊपर डालूंगी और फिर हम रैक पे जाएंगे। फौरन जमती है, फौरन। ठीक है, चले जी, हमारा मीठा तैयार है, शोला हमारा डन है। अब हम ब्रेक से आएंगे और आके हम स्टार्ट करेंगे अपना कटलेट्स, हंटर बीफ कटलेट्स। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखेंगे हमारा, हमने डेकोरेट कर दिए। अभी एक आध हफ्ता है, आम बना लें एक दफ़ा, बहुत मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी देर, लेकिन सेट हो गया है, हर चीज़ सेट है। मैं इसको थोड़ी सी देर चिल होने के लिए रख रही हूँ। चले अल्हम्दुलिल्लाह, दो रेसिपी से हो गए हैं फारिग। अब हमारी इधर तीसरी रेसिपी, इससे पहले हम इसको एक दफा हिलाएंगे। देखें कितना सारा बन जाता है, आधा किलो चावल, एक पाव दाल, पालक आधा किलो, आप जब ये आधा हो चुका है तो आप इसको इससे थोड़ा थोड़ा, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स आप विस्क ले लो, या ऐसी जो घोटनी होती है, दाल घोटनी, ठीक है, मैं लाना भूल गई, वो तो बेस्ट है इसके लिए। या आप पोटैटो मैशर भी ले सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो। मैंने अब आंच हल्की कर दी है ताकि ये नीचे लगे नहीं। ओके, हंटर बीफ कटलेट्स। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी बेटा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो आपा।
जज़ाकअल्लाह बेटा। अच्छा आपा, मुझे आपसे सबसे पहले ना एक रिक्वेस्ट करनी है। बोलिए। आपा मुझे रिक्वेस्ट करनी है पूरे वीक के लिए, लेकिन आपने प्लीज उसको करना जरूर है। आपा आपके पास रेस्टोरेंट की ना ऑफ एंड ऑन बताती रहती हैं बड़ी रेसिपीज हैं। अच्छा, और रेस्टोरेंट अच्छा, आपा आप ही ने मेरा रेस्टोरेंट छुड़ाया है। आपकी दुआएं कबूल हो चुकी है, हम आपको ऐसा वीक कराने जा रहे हैं रेस्टोरेंट का कि आप हैरान हो जाएंगे। अभी मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन और जबरदस्त, ठीक है, अभी नहीं बता रही, लेकिन वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आपा। लेकिन आपा प्रीवियस आपने बहुत रेस्टोरेंट की रेसिपीज सिखा चुकी हैं, लेकिन प्लीज मुझे वो पता नहीं होगा, नहीं होंगी, नहीं वो नहीं होंगी, सवाल ही नहीं है जी आपा। और आपा आपने एक आई होप का आपने ब्रेकफास्ट का भी प्रॉमिस किया हुआ, काइंडली वो भी डाल दीजिएगा, तो आई थिंक कराची में आ चुका आई होप। ठीक है ओके इंशाल्लाह। ठीक है आपा, और आपा ये जो वीक करवाने जा रही है आप कब करवाओगे? मेरी छुट्टियों पर जाने, मैं सितंबर में जब छुट्टियों पर जाऊंगी उससे पहले करा के जाऊंगी, मत फिक्र करें जी। ओके बेटा ओके। अच्छा ये देखें ये क्या है मेरे पास, ये हंटर बीफ है। हंटर बीफ दो किस्म के मिलते हैं, ठीक है। ये जो हंटर बीफ मेरे पास है, इस हंटर बीफ को कहते हैं प्रेस्ड हंटर बीफ, ठीक है। और जो दूसरा हंटर बीफ मिलता है वो तो सबको ही पता है कि वो बड़ा सा एक पीस होता है, चर्बी के साथ होता है, उसको काट के दिया जाता है। इसको भी, ये भी एक लॉक की शक्ल में प्रेस तरीके से बनाया जाता है, और इसको भी काट के ही देते हैं जितना आपको चाहिए, ठीक है। आई लव दिस, इसमें चर्बी नहीं होती, कुछ नहीं होता, इतना मज़े का होता है। इसके सैंडविचेस बनाएं आप, बहुत मज़े का। मैं तो इसको दुबई तक भेजती हूँ, बहुत अच्छा होता है, इतने मज़े के इसके सैंडविचेस बनते हैं। अच्छा ये देखिए, ये हमने ले लिया हंटर बीफ और इसको आपने श्रेड कर लिया। तीन सौ ग्राम ले रहे हैं, मैंने 500 ग्राम मंगवाया था। देखिए हंटर बीफ कटलेट्स हैं, इसमें बीफ का ज्यादा मजा आना चाहिए, आलू का कम। ठीक है, और इसको मजीद चॉपर नहीं करेंगे बिकॉज ये अच्छा खासा श्रेडेड है। ये हो गया ओके। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा किलो आलू बॉइल्ड एंड श्रेडेड, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, अच्छा प्याज मुझे हल्की सी सॉटे करनी है, वन टेबलस्पून, सिर्फ वन टेबलस्पून इटालिया का हम डालेंगे, पामेस ऑलिव ऑयल, और उसमें मैं 1 कप प्याज या 2 मीडियम प्याज को लेके और सॉटे कर लीजिए। ये जो सॉटे की हुई सॉफ्ट प्याज वो मैं इसमें डालूंगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद प्लीज हिलाते रहें, नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसको आप फिर ऊपर से जो आपको इसके ऊपर लवाजमार डालने, लाल प्याज डालें, हरा धनिया, पुदीना, नींबू, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, उस तरह से करके जिस तरह हलीम खाई जाती है इस तरह आप इसको खाएं, आपको बहुत मजा आएगा।
इसमें सारी चीज़ें कितनी हेल्दी हैं, दिस इज अ हेल्दी मील। लाल वाल नहीं करना है प्याज को, ठीक है, बस इस तरह से 1 टेबलस्पून ऑयल में सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये चला गया इसमें। अब हमने इसमें ग्रीन चिलीज डालनी है, 4 चॉप्ड। बच्चों के लिए बना रहे हैं, हरी मिर्चों को ज़रा सा क्रश करके डाल दें या पीस के डाल दें। कोरिएंडर लीव्स जाएगा इसमें, 4 से 5 टेबलस्पून, और इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें इटालिया का, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हीट या 1 लेवल। ज़रा सा धुआं निकल रहा है, प्याज ज़रा सी हल्की सी ठंडी हो जाए, फिर मैं इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अपने शो पे क्रिस्पी फ्राई रखा हुआ है, अंडे में कटलेट्स को डिप करेंगे। क्रिस्पी फ्राई को मैं मिक्स करूँगी अपने ब्रेड क्रम्स के साथ, ठीक है, आप देखते ले जाओ। ये मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स 1 कप, उसमें मैं 1 पैकेट डालूँगी क्रिस्पी फ्राई का, बेहतरीन है ये, ठीक है। हम परेशान होते हैं, हमारी बाहर जो वो है, हमारी जो चिकन मिलती है क्रिस्पी वाली, रोस्ट है, दूसरी है, कि हमारी चिकन वैसी क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं बनती। आप ये लेके आएँ, इसको यूज़ करें, वैसे ही बनेगी बिल्कुल। ये देखेंगे, ये क्रिस्पी फ्राई का 1 पैकेट चला गया मेरे ब्रेड क्रम्स में, बेहतरीन क्वालिटी है। फ्राइज बना उससे आप वो करें, चिकन बनाएं और नगेट्स बनाएं, कोई भी कटलेट्स बनाएं, कबाब बनाएं, कोटिंग इसकी लगाएं, बेहतरीन, ठीक है। ये हो गया, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, कटलेट्स बनाती हूँ, वापस आएंगे ब्रेक पे से, फिर अंडा फेंट के और इसमें क्रिस्पी फ्राई और ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में कोट करेंगे और हम फ्राई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मैंने यहाँ कटलेट्स का शेप दे दिया है, जैसा भी आप चाहें आप दे दो। थोड़ी थोड़ी देर से अपनी हाथ की सफाई बहुत ख्याल रखा करें, यू हैव टू कीप वॉशिंग योर हैंड्स। देखिए इससे ज़्यादा अच्छा हो रहा है पोटैटो मैशर से। ओके, अब हमें वो अंडा फेंटना है।
इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, एक अंडा, अंडे में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून वाटर, ठीक है, ये देखें, ये आपने उठाया अपना कटलेट्स, अंडे में डिप किया, क्रिस्पी फ्राई और ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में डालते गए, अच्छा आपको एक और बात बताऊं, जो कराची में रहते हैं हैदराबाद पे भी मिलता है हंटर बीफ, हाँ, और वहाँ जमशेद रोड पे भी बहुत पुरानी इसकी दुकानें हैं जहाँ हंटर बीफ मेस्टरीन मिलता है, और मज़े की बात ये जो प्रेस्ड वाला हंटर बीफ मैंने यूज़ किया है ये चिकन में भी मिलता है, हंटर चिकन, आपकी मर्जी आप कोई सा भी ले लो, मैंने हंटर बीफ लिया है। तरह से आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का सेहत आपकी ठीक है? अल्लाह का बहुत एहसान है आपा, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, अल्लाह का शुक्र आज फिर मेरी कॉल मिल गई है, आपसे बात करने को दिल कर रहा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैंने आपको बताना था, मैंने मैंगो जैम बनाया था, बहुत जबरदस्त बना, पता नहीं चल रहा था कि ये बाजार का है घर का बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंगो फ्रेश केक बनाया, वो भी बहुत जबरदस्त बना और बहुत सबको पसंद आया। शुक्र है अल्लाह का। और आपा, मैं आपकी रेसिपी हमेशा दावत पे आपकी रेसिपी बनाती हूँ, और घर में भी जो बनाती हूँ आपकी रेसिपी से और रिद्धा की रेसिपी से बहुत जबरदस्त बनती है। चलिए जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, ये तो समझ आ गया ना, बस मैं इसी तरह इसको अंडे में डिप कर रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये क्रिस्पी फ्राई और ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में डालती जा रही हूँ और फ्राई करके रेडी कर लेंगे, और वापस ब्रेक से आएंगे तो इसका हम बघार करेंगे। Stay with us. Show lega. जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने इसका शोले का चूल्हा बंद कर दिया है, बिकॉज मुझे अब इसका भखार देना है।
ये मेरे कटलेट्स हो गए हैं पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम बाद में निकालते हैं, अब हम इसके बघार पे आ रहे हैं। ये आप लोग एक नज़र इस पर मार लो, ये देखें ऐसा घुटना चाहिए, ठीक है। अब इसका बघार हम घी में और बटर में देंगे, नूर पाक का बटर। ओके, बघार के लिए हमें थोड़ी सी लाल प्याज और घी और चख लेंगे, अगर हमें नमक की ज़रूरत है तो हम और डालेंगे। आधा कप घी लिया है मैंने, लूट पाक का मक्खन ले रही हूँ, सॉल्टेड ले लें अनसॉल्टेड ले लें आपकी मर्ज़ी है, हर चीज़ में आप देखते हैं इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। प्लीज़ अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मक्खन सिर्फ बेकिंग के लिए होता है, नॉट एट ऑल। परफेक्ट, कुछ भी नहीं जाएगा, ना मिर्ची जाएगी, ना इसमें नमक जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, आप इसमें इस वक्त एक नींबू का बड़ा नींबू का जूस निचोड़ लें, बस इसमें इसकी इस वक्त इसको इसकी ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपा जी? अल्लाह का बहुत शुक्र आपा। मैंने अभी फ्राइडे को भी आपसे बात हुई थी, मेरी पोटैटो वीक जो आपने बनाया था उसमें मैंने आपकी काफी रेसिपी ट्राई की थी, ठीक है। और मुझे हलीम के बारे में थोड़ा पूछना था आपा, कि मेरी कल फ्रेंड ने हलीम बनाया तो उन्होंने उसमें, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने उसमें टमाटर भी ऐड किए, जो वो बनाते हैं कोरमा का सालन का जो बनाते हैं, और उसमें थोड़े उन्होंने चावल भी, जो बारीक चावल मैं भी डालती हूँ हलीम में, मैं भी डालती हूँ। अच्छा, मतलब टमाटर आप डालते हैं? आप मर्जी है, डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी सबकी अपनी रेसिपी होती है, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। अच्छा, मेरा शो देखिएगा। नहीं, बनाएंगी क्या वैसे? बता रही हूँ ना, इस हफ्ते मेरे शो मिस नहीं कीजिएगा, मेरा बुध और जुमेरात और जुम्मा तीन दिन के शो ज़रूर देखिएगा। हलीम भी है उसमें, चने भी हैं उसमें, दो किस्म के बिल्कुल नए, जो मैंने 13 साल 14 साल मसाला में कभी ये शरबत नहीं सिखाए थे, वो शरबत अच्छा, भी हैं, सब कुछ है। हाँ नहीं, तो मैं बनाती हूं, नियाज मैं भी दिलाती हूं। हाँ तो बुध जुमेरा जुम्मा का शो मिस नहीं कीजिएगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला। और दूसरे ये है कि जो आपका ये जो पोटैटो वीक था उसमें काफी रेसिपीज है जो मैंने लिख दी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर बनाऊंगी। और ये है कि आप और जो छोले ही बना रही है, मैंने आपको सुना है, मैंने कभी बनाया नहीं, तो इंशाल्लाह ताला ये भी बनाऊंगी। बनाए बनाए, बिल्कुल बनाए। चलिए, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा छोला रेडी हो चुका है। प्लीज माफी चाह रही हूँ, ये जो खटर खटर हो रहा है होना नहीं चाहिए। दिस इज नॉट द एटिकेट ऑफ कुकिंग इन द किचन, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है जी, ये हो गया, इसको हम निकालते हैं, इसको हम अपनी टेबल तक पहुंचाते हैं और वक्त आ चुका है रीकैप ब्रेक का। मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। शोला अज्जा, भीगे चावल आधा किलो, भीगी हरी मूंग की दाल 250 ग्राम, गाय का कीमा आधा किलो, साबित मसाले खाने का चमचा, तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 3 चाय के चमचे, हल्दी 3/4 चाय का चमचा, नमक 3 चाय के चमचे, दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, कटी पालक आधा किलो, कटा सोया 1 गट्ठी, हरा धनिया आधा कप, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, ब्राउन प्याज आधा कप, घी आधा कप। तरकीब, चावल और हरी मूंग दाल को एक साथ भिगो लें, अब पैन में तेल गरम करके ब्राउन प्याज, तमाम साबित मसाले और थोड़ा पानी डाल के फ्राई कर लें, फिर इसमें गाय का कीमा शामिल करके ढककर पकाएं, उसके बाद इसमें दही शामिल करके तेल ऊपर आने तक फ्राई कर लें, अब इसमें पालक, सोया, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दें, फिर इसमें भीगी दाल और चावल डालें और 6 से 7 कप पानी शामिल करके ढककर पकाएं और मैश कर लें, आखिर में इसे भगार दे के सर्व करें। हंटर बीफ कटलेट्स अज्जा, रेशा किया हुआ हंटर बीफ 300 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, उबले कुचले आलू आधा किलो, कटी प्याज 2 अदद, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स रोल करने के लिए। तरकीब, अंडर बीफ को रेशा कर लें, बालुओं को बाल कर मैश कर लें, फिर पैन में 1 खाने का चमचा तेल गर्म करके कटी प्याज फ्राई कर लें, उसके बाद इसमें रेशा किया हुआ गोश्त, मैश आलू और दीगर अज्जा शामिल करके कटलेट्स की शक्ल दें, आखिर में इन्हें पिटे हुए अंडे में डिप करके क्रम्स में रोल कर लें और गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करें। मैंगो एक्जोटिका अज्जा, पिटी हुई क्रीम 1.5 कप, दही 1 कप, भीगी मैंगो जेली 2 पैकेट, आम क्यूब्स 2 कप, कंडेंस मिल्क आधा टिन। तरकीब, सर्विंग डिश में आम के क्यूब्स फैलाएं, अब एक बोल में फिटी हुई क्रीम, दही, मैंगो जेली और आधा टिन कंडेंस मिल्क डालकर फेंट लें, फिर इसे आम के क्यूब्स पर डालें और ठंडा सर्व कर दें। जी जनाब, आज की रेसिपीज आपके सामने। आज दावत में बन रहा है चॉकलेट सूफ्रे और क्या लिखा हुआ है, टिगाइन चिकन, टेगनी चिकन, आई डोंट नो। ठीक है, ये बन रहा है दावत में। तो आप आज का हमारा शो हुआ जाता है मुकम्मल। आपने छोला सीखा, आपने हंटर बीफ कटलेट सीखा और आपने मैंगो एक्जॉटिका सीखा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैंगो आखिरी में जो भी हैं, जैसे भी हैं, बच्चे कुछ एक आध दफ़ा मीठा ज़रूर ट्राई कर लीजिए, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत मज़े का। ठीक है, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे शेफ़ साइमा के साथ मुलाकात करेंगे, जिसको ब्रेड सीखना था, कल फुकेशिया ब्रेड है, तो आप मिस मत कीजिएगा कल का शो। नेचुरली वो आपको सारी टेक्निक्स भी बताएंगी ब्रेड से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह कल आपके साथ मुलाकात करेंगे, ज़िंदगी बखैर। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल करिए, SOPs का ख्याल करिए, कहीं आ जाएँ प्लीज़ डबल मास्क लगाएं, आपकी भी हिफाजत है, दूसरों का भी हिफाजत है। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।